आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर BVR मिसाइल अस्ट्रा के बेसिस पर बनाई गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि VLSR-SAM का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो फोटोग्राफ ट्वीट किया था जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस शिप से इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया गया है वो राजपूत क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और अगर आप इंडियन नेवी के शिप्स के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि INS राणा इस समय उस इलाके में है। कुछ समय पहले ही न्यूज निकल कर आई थी कि INS राणा पैरादीप में डॉक था और इस वजह से चांसेस हैं कि जिस शिप के ऊपर से ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च की गई है वो INS राणा हो। हालांकि इस चीज को कंफर्मेशन के साथ में हम लोग नहीं कह सकते हैं, बट इतना क्लियर है कि जिस शिप के ऊपर से ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च की गई है वो राजपूत क्लास का एक शिप है। वैसे अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि VLSR-SAM फाइटर जेट्स में यूज होने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम अस्ट्रा का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसको एक सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के बेड़े में मौजूद स्टिल और बराक 1 मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करेंगी। वहीं पर अगर बात की जाए नेवल एयर कवर की तो ये मिसाइल सिस्टम बराक 8 मिसाइल्स के साथ में मिलकर इंडियन नेवी के शिप्स को 2 लेयर का सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कवर प्रोवाइड करेंगी। अगर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात की जाए तो DRDO के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 15 किलोमीटर की है, लेकिन नॉर्मली ये जो डॉक्यूमेंट में रेंज नंबर दिया जाता है वो GSQR के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट केवल 15 किलोमीटर की थी और ये मिसाइल सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करती है। नॉर्मली जब भी एक BVR मिसाइल सिस्टम को वर्टिकल लॉन्च सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर यूज किया गया है तो इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज लगभग 1/4 हो जाती है। जैसे NASAMS-2 में यूज होने वाली BVR मिसाइल सिस्टम AIM-120 की रेंज घटकर 120 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की हो जाती है, वहीं पर VL-MICA में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज घटकर 80 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की हो जाती है। ये चीज हम सब जानते हैं कि BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा की रेंज 110 किलोमीटर की है और इसका 1/4 का जो नंबर बनकर आता है आप वो रेंज इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज मान सकते हैं, यानी कि उस लॉजिक से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 27.5 किलोमीटर के आसपास होगी और अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 25 किलोमीटर की रेंज ये मिसाइल सिस्टम जरूर देगी, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी भी 15 किलोमीटर का है। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर कम मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन हम लोग ये चीज पहले भी कह चुके हैं कि इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर मिसाइल सिस्टम कम इस वजह से हैं कि जो मिसाइल सिस्टम्स इंडियन नेवी के शिप्स में जाने वाली हैं वो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है और जब ये मिसाइल सिस्टम्स बन जाएंगी तब इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में इन मिसाइल सिस्टम्स का ओवरऑल नंबर बढ़ेगा। एनीवेज अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। ANI की तरफ से कुछ फोटोग्राफ शेयर की गई थी जहां पर दिखाया गया है कि टाटा कैस्ट्रल लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि टाटा कैस्ट्रल को इंडियन आर्मी ने एक लिमिटेड नंबर में ऑर्डर किया है, लेकिन इस वेरिएंट में कुछ चीजों को निकाला गया है जिससे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि इस सिस्टम को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये चीज मोर और लेस क्लियर हो गई है कि ये सिस्टम लद्दाख के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए थे और क्योंकि इनके ऊपर से टरट हटा दिया गया है तो वहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि इनका प्रयोग केवल पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। तिब्बत बॉर्डर पर इंडो चाइना अकॉर्ड्स के चलते हैवी वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय नहीं किए जा सकते हैं और शायद वही कारण है कि इसके ऊपर से टरेट हटाई गई है। हालांकि स्टैंड ऑफ के दौरान टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स सब कुछ वहां पर डिप्लॉय किए गए थे, लेकिन डिसएंगेजमेंट के बाद चीजें बदली हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को थोड़ा वाटर डाउन करके वहां पर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन आने वाले समय में एक अच्छी टारगेट के साथ में इस सिस्टम को एक बड़े नंबर में इंडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।